हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। अब देखिए, मैं अपने किचन मतलब मंदिर की जो मेरे मंदिर के लिए मैंने एक रैक बना रखी है मंदिर के सामान के लिए, उसको मैंने आज बिल्कुल क्लीन किया है और वो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ मैंने कैसे अरेंज कर रखा है। एक रैक में मैंने भगवान जी के सारे कपड़े रख दिए हैं, एक में वो वाला सामान रख दिया है जो हम लोगों को डेली में यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है, जैसे कि इस वाली रैक में है। और इसी में भगवान जी की माला, मुकुट, बंसी वगैरह सब कुछ है। और ये मेरे हस्बैंड मतलब जो पुस्तक वगैरह भगवान जी की पूजा में पढ़ते हैं वो सब कुछ है, तो मैंने ये सब अलग रख दी हैं। और जो ज़्यादा यूज होती हैं वो अलग रखती हैं, चूहों ने ख़राब कर दी थी, इसको मैं सही कर लूँगी। और ये मजीरे, एक्स्ट्रा मजीरे हैं वो इसमें रख दिए हैं। और एक मजीरा जो है वो मैंने मंदिर के नीचे वाली रैक में रख दिया है, आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें गुलाल है, ये मेरा अलग से सामान है जो मैं पिन्नी वगैरह करती हूँ उसका अलग से रखती हूँ। उसमें लौंग है, सूखी धूप है और लौंग, कपूर वगैरह इस टाइप की चीज़ें। अब देखिए, मैंने ये मंदिर भी बिल्कुल क्लीन किया है और आज मैंने सभी भगवान जी को ये मतलब पीतल के होते हैं, शक्कर में ये थोड़े से वैसे हो जाते हैं देखने में अच्छे, मतलब भगवान जी तो अच्छे ही होते हैं, अच्छे ही लगेंगे हमेशा, लेकिन हमें ऐसा लगता है पीतल के होने की वजह से थोड़े। तो मैंने आज इन सबको अच्छे से नहलाया है, स्नान कराया है दही से, तो दही से ये बिल्कुल एकदम से चमक गए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो दही से इनको स्नान करा सकते हैं हल्के हाथों से इनको, मतलब मल के, ऐसा नहीं है बहुत तेज मले या कुछ भी, इस तरह से जैसे हम एक छोटे बच्चे को स्नान कराते हैं इसी तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल को और बकाया सभी भगवान को स्नान करा दिया है। तो देखिए, ये सब भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। और फिर मैंने इन सबको नहलाती तो मैं रोज ही हूँ, मतलब मेरे पति स्नान कराते हैं, तो मैंने इन सबको अच्छे से आज नहलाया है और फिर इन सबको आराम से बिठा दिया है, कपड़े चेंज कर दिए हैं। और मैं मतलब गर्मियों में भगवान को ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनाती हूँ, बस सिंपल सी एक माला और मुकुट वगैरह, बस ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है गर्मियों में। और पोशाक जो भगवान जी के कपड़े हैं वो सिंपल वाले ही यूज करती हूँ, बिना बुकरम वाले, ताकि भगवान जी को चुभे नहीं और उन्हें कंफर्टेबल हो, क्योंकि गर्मियों में जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है ऐसे मेरे कानों को भी भूख गर्मी लगेगी, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को उसी तरह से रखती हूँ जैसे मैं अपनी बिटिया को रखती हूँ, क्योंकि मैं जैसे एक भाव होना चाहिए कि हमारे भगवान जी को गर्मी लग रही होगी, इस समय ठंड लग रही होगी या भूख लग रही होगी, या ठंडा पानी रखें, मैं बार बार ये लोटे में मतलब जो जल होता है उसको बदलती रहती हूँ कि ऐसा ना हो गर्म हो गया हो भगवान जी मतलब इसको पियेंगे मेरे लड्डू गोपाल तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा करती रहती हूँ। और 4-5 बार दिन में भोग लगाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मंदिर के नीचे वाली रैक है, इसको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है, जो बर्तन मांजने वाला साबुन आता है उसके ही सब बहुत सारे बॉक्स मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, उन्हीं में सेट कर दिया है। फिर ये शाम का टाइम हो गया था, तब मैं खाना बना रही थी, तो अभी बहुत ज़्यादा शाम नहीं हुई थी, तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा मुझे पूड़ी खानी है, तो मैंने सोचा लाओ पहले पूड़ी ही मैं बना लेती हूँ, सब्जियाँ मैं आराम से बनाती रहूँगी। और उसको दो पूड़ी सेकती, उतने में कढ़ाई गरम करती, फिर से गैस ऑफ करके ठंडी होती कढ़ाई, तो मैंने पकाया पूड़ियाँ भी सेक ली हैं, क्योंकि आज मेरा और मेरे हस्बैंड का व्रत है मंडे का, तो फिर मैंने पूड़ियाँ जब सेक ली थी और जल्दी से, फिर मैंने अपनी बिट्टी मतलब बेटी से कहा कि खा लो, तो बोली नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना है, तो मैंने सोचा चलो ये नहीं खा रही है तो मैं भोग भी लगा सकती हूँ, फिर उसने खाई नहीं, थोड़ी देर उसका मन हुआ फिर मन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों फिर उसने नहीं खाया, वरना मैंने सोचा था भोग लगा दूँगी नमक और हींग डाल के फिर उसको दे दूँगी, लेकिन उसने नहीं खाया। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू भसीड़े की सब्ज़ी, इसको कमल ककड़ी भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वो है हमारे यहाँ भसीड़े बोलते हैं, तो मैं उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ,
वही मैंने टमाटर में सूखा धनिया, लाल मिर्च और हल्दी, हींग और थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स कर लिया है। जीरे के तड़के से इसको टमाटर को उसमें ऐड कर दिया है। हल्का सा नमक, मतलब पहले नमक डाल दूंगी टमाटर में ताकि अच्छे से वो मतलब टमाटर गल जाए। और एक टमाटर की जब ग्रेवी सी बन जाएगी, टमाटर गल जाएगा अच्छे से, फिर मैंने आलू और जो सब्जी थी वो उसमें ऐड कर दी है। और थोड़ा सा पानी लगा के इसमें 2-3 सीटी लगा लेंगे तभी वो अच्छे से गल जाएंगे बसीड़े और आलू। और फिर इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च ऊपर से बाद में डाल दूँगी। फिर मैं यहाँ पर बर्तन हो गए थे वो सब क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड का लंच बॉक्स था और बकाया जो बर्तन थे वो सब क्लीन कर ले रही हूँ। तो मैंने माँज लिए हैं, अब धोने का नंबर है, मैं धो रही हूँ उसको, अच्छे से धो लूँगी। और उधर मैंने घुया भी उबलने के लिए रख दी है, अरबी, वो मेरी उबल रही है। वो बोल रहे थे कि अरबी की सब्ज़ी और आलू हसीड़े की सब्ज़ी बना लेना दीक्षा, तो मैंने फिर उसको भी उबलने के लिए दूसरे कुकर में रख दिया है। पूड़ियाँ मेरी सिक गई हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पर गाइस किचन में, और फिर भी जल्दी जल्दी काम कर लो तो ठीक रहता है। और उनको ऐसा नहीं है, थोड़ी सी सब्ज़ी बस गर्म हो, बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, तो मैं उन्हें बना के रख दूँगी। और ये मैंने आम लेकर आए थे कच्चे, तो वो मैंने धो लिए हैं। खीरा लेके आए थे वो भी धो के फ्रिज में रख दूँगी। आम का मुझे थोड़ी सी आम की जो हींग वाला अचार होता है वो बनाना है। और मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा आम पापड़ बना दो, तो मैं उसके लिए आम पापड़ बनाऊँगी। तो आम धो दिए हैं मैंने अच्छे से, तभी इनका पानी सूख जाएगा, फिर मैं इनका अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या बनाऊंगी मैं। और ये बर्तन धुल गए हैं, फिर मैं इसको स्टैंड वगैरह में थोड़ा पानी निचुड़ जाएगा इनका, तभी सेट कर दूंगी, क्योंकि ऐसे बर्तन नहीं, थोड़ा पानी निकल जाता है इनका, ड्रेन आउट हो जाता है। फिर टिफ़िन को मैं इनके अच्छे से पोंछ कर फिर सेट कर कर रख देती हूँ, तभी मुझे नेक्स्ट डे दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर मेरी बेटी अभी खेल रही है और हस्बैंड आ चुके हैं, वो पूजा कर रहे हैं। आज जल्दी आ गए थे, उनका व्रत है, और फिर कह रहे थे पूजा करने के बाद में चले जाएंगे। मैंने सोचा वो जल्दी खाना खाएंगे, लेकिन वो पूजा करने के बाद में फिर पढ़ाने चले गए थे। खाना वही उन्होंने 9 बजे ही खाया था, तभी मैंने उनके लिए सब्जियाँ गर्म कर दी थी। और इधर देखिए आम को मैं सब आम मतलब अब वो नहीं करूँगी यूज, मैं 3 आम का हींग का अचार डालूँगी और 1 आम का ही मैं आम पापड़ बना दूँगी। काफ़ी मतलब बड़े बड़े आम हैं, तो हींग वाला जो अचार डालते हैं उसके लिए पहले मैंने ये आम को छील लिया है। पता नहीं मेरा ट्राइपॉड हिल जाता है तो फ़ोन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो मतलब मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दे रही हूँ, जो आम हम लोग छीलेंगे तो उसमें जो हरा वाला पार्ट हो वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, वरना आम जो हींग वाला अचार होता है जो खटाई होती है वो ख़राब हो जाती है। मतलब इस तरह से छीलना है, अगर आप डबल भी छीलना चाहें तो डबल छील सकते हैं, फिर उसको हम किसी चटनी वगैरह में यूज कर सकते हैं, क्योंकि छिलका तो हमने पहले ही हटा दिया है और ग्रीन पार्ट नहीं रहना चाहिए। फिर हम इससे चाकू की हेल्प से इसको काट लेंगे। और ये वाला अचार अगर आप डालने की सोच रहे हैं, हींग वाला अचार जिसको खटाई की तरह भी यूज करते हैं, तो वो टाइम बिल्कुल इस समय परफेक्ट है, क्योंकि इस टाइम पर जो अचार आ रहा है, आम आ रहा है बाज़ार में, उसमें जो गुठली में जो जारी पड़ जाती है वो नहीं पड़ी हुई है, कच्चा आम आ रहा है बिल्कुल। तो इसमें हमारे लिए जो आम का पल्प होता है, जो गूदा होता है, वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, तो आप इसी टाइम पर उसका बनाइए। और आम पन्ना बनाना चाहते हैं वो भी इस टाइम पर ही बनाइए, और आम पापड़ वो भी अगर आपके बच्चों को पसंद हो। आप देखना मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं इस वाली वीडियो में नहीं दिखाऊंगी कुछ भी, क्योंकि मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये प्रोसेस जो था मैंने रात में किया था, तो मुझे ओवरनाइट के लिए सब कुछ रखना होगा। तो फिर मैं अगले दिन दिखाऊंगी मेरा ये सब कुछ कैसा बन के रेडी हुआ। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया ज़्यादा सा, अब जब इसका पानी मतलब निकल जाएगा सब आम का, तो इसको सुबह को सूखने के लिए डाल दूँगी। अभी मैंने घुया जो अरबी है वो उबल गई है, इसको छील लूँगी, काट लूँगी, फिर इसको छौंक देंगे। मैं घुया के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लगा लिया है, इसी कढ़ाई में मैंने पूरी सेकी थी, तो इसी में मैंने अपना घुया भी छौंक दूँगी।
उसके लिए मैंने अजवाइन लगा दी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सूखी मिर्च, हरी मिर्च और हल्का सा हरा धनिया और हींग, हींग डालना भी भूल गई थी, अब बाद में डालूँगी। और फिर मैंने घुया इसमें डाल दी है और हींग डाल दी है मैंने, और नमक पहले ही मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसको मैं थोड़ी देर भूनती हूँ, गैस को स्लो करके अच्छे से भूनती हूँ। इधर देखिए मेरी आलू सीढ़े की सब्ज़ी रेडी हो गई, इसमें मैंने हरा धनिया और ये हरी मिर्च काट के डाल दी है। अब इसमें मैं चावल बनाऊँगी, थोड़े से जीरा राइस मतलब। और इधर देखिए घुया को मैंने अच्छे से भून लिया है और इसको मैं बहुत टाइम तक भूनती हूँ। फिर ये थाली लग गई है, आम का अचार है, घुया है, रायता है। आज सिंपल वाला रायता बनाया, नहीं कुछ खीरा डाला था ना ही बूंदी। हस्बैंड का मन नहीं था तो कह रहे थे हींग और जीरा पाउडर डाल के ही सिंपल वाला बनाओ, जैसे छाछ बनता है उस टाइप से। अभी हम लोगों खाना पीना खा लिया है, अब ये सुबह का टाइम है दूसरे दिन का। तो देखिए कितना पानी आम ने छोड़ दिया है। अब इस आम के पानी को मैं एक छलनी की मदद से छान दूंगी और इस आम को मैं फिर सूखने के लिए कपड़े में धूप में डाल दूंगी। अब मेरे बरामदे में बहुत तेज़ धूप नहीं आती है, बहुत ज़्यादा समय के लिए भी नहीं आती। अगर आप छत पर डालना है तो इसे 2 से 2.5 घंटे ही डालें, ज़्यादा नहीं सुखाना है, बिल्कुल कड़क नहीं करना है, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और मैंने बरामदे में डाला है तो मैं इसको 4 से 5 घंटे बिना धूप के ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी। और ये जब अच्छे से सूख जाएगा फिर मैं इसका अचार कैसे डालूंगी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए हल्की हल्की धूप इस तरह से आ रही है, तो इस तरह से। और फिर मैं ये आम पापड़ का लिए मैंने एक आम काट लिया है, छील लिया है और साफ़ करके अब मैं इसमें पानी डाल के इसको बॉयल कर लूँगी। आप चाहें तो कुकर में भी एक बिसर ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। देखिए अच्छे से उबल गया है, अब मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर दूँगी, वो भी वीडियो में आपको दूसरे दिन दिखाऊँगी। अब इसको पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया है, अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।